नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते आज की खबर की तरफ। झारखंड में भी आंकड़ा ये कोरोना वायरस को लेकर के बढ़ रहा है, आप सभी को पता है, खबरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। इसमें खास करके ये जहां बोला जा रहा है सोशल डिस्टेंस, उसको लेकर के लगातार प्रशासन के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, खास करके सब्जी मंडी में सड़कों पे तो अब लोग ना मात्रा के निकल रहे हैं, फिर भी जो निकल रहे हैं अब उन पे प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। अब लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, इस विजुअल में आगे आप देखेंगे। और सब्जी मंडी में कैसे आपको सब्जी लेना है, कैसे आपको घरों से बाहर निकलना है, आज हम नहीं बताएंगे, प्रशासन के लोग आज इस पूरे विजुअल में कितना परिश्रम करते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन रांची की जनता उनको क्या जवाब दे रही है और क्या एक्सक्यूज दे रही है उनको, आप खुद सुने, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं विजुअल की तरफ और एक बार जरूर कहेंगे कि प्लीज बातों को आप समझे, अपने घरों में रहें। फिर भी आइए चलते हैं विजुअल की तरफ। आप लोग का भी कॉपरेट चाहिए ना, गवर्नमेंट कितना करे सब तो करेगा, अपना भी ध्यान करना है। फिर नहीं करना दूसरी बात, पहला बात कुछ हुए नहीं, दूसरी बात कि दूर दूर रहे सब के करीब है, आप लोग भी छुए नहीं, आप खुद उठा के दीजिएगा उसको। दूसरी बात, जो लोग रहेगा दूर दूर में रहेगा, फिर नहीं लगा देगा, नहीं तो यहाँ भी बंद हो जाएगा सब्जी बेचना। अरे मास्क कहाँ है, रुमाल है कुछ? अरे इतना भीड़ में आप आए हैं, बिना मुंह खोल के आ गए हैं, बीमारी हो जाएगा फिर चलना करे तुमको। हाल तो बोल रहे कि मास्क लगाओ तुमको, क्या बोलिए आप, बेफिजूल घूम रहे आप पर केस हो जाएगी, ये चीज मालूम है तो फिर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। कौन सब्जी लेने हैं, कौन साथ में है, सब्जी लेने दो लोग आते हो, क्यों आते हैं? वैसे लाना नहीं है अभी, दो फीट तीन फीट का डिस्टेंस रहेगा, जी न्यूज इस समय दे रहा है कि मास्क उतना फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगला से है नहीं ना, अगला से है ना, अगला से हम मान लो छींकेंगे अब में जाएगा, तब हम लगाएंगे, आप लगाएंगे छींक देंगे तब लगाएगा आप, नहीं अगर आपको खांसी सर्दी है सामने, हम बैंक में काम करते हैं सर, आप हमको जान देंगे मेरी बीमारी है कि नहीं है। बिल्कुल सर, हम बैंक में काम करते हैं, आप जान देंगे पहले तो जाने बताइए, क्वेश्चन आप अपना करिए, बोलिए
क्या प्रॉब्लम है मास्क लगाने से? मास्क लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट के मुताबिक अगर आदमी हेल्दी है तो उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, मास्क को लोग सुरक्षा कवच बना के रोड पे घूम रहे हैं कि हम लगा लिए और हमको कोरोना वायरस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड पे निकल लिए हम। हम उस तरह के इंसान नहीं, हम काम करने वाले पढ़े लिखे आदमी हैं, जहाँ रिपोर्ट में ये साफ साफ है अगर आप हेल्दी हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, अगर आप हेल्दी हैं तो। हेल्दी को नहीं हो रहा ये बीमारी? ऐसा नहीं है, हो रहा है, लेकिन अगर किसी आदमी के संपर्क में। आपने बोला कि हेल्दी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, फिर मेरी बात को आप देखिए ट्विस्ट मत कीजिए, ठीक है ना? नहीं, आप प्रूव कर देंगे इसको? हां, इसको है या नहीं है? क्या चीज? हां से छींके तो नहीं अभी तक? क्या सिम्टम अभी होगा कोरोना वायरस का? सिम्टम अभी चेंज हो गया, उसमें ना खांसी हो रहा है ना बुखार हो रहा है और ना आपको खराश हो रहा है? आप नहीं देखते? आपको पता नहीं है? अभी जो महिला जो आरएमसीएच में है उसको खांसी था? नहीं। बुखार था? नहीं। फिर भी उसका पॉजिटिव आया? हाँ। आप पकड़ लेते हैं उसको कि वो कोरोना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसी के लिए बोला जा रहा है? इनका भी हम लोग हाथ इतना टच किया, बता दिए इसमें उसी के लिए लगा लेंगे मास्क बस। थैंक यू। ये समझ नहीं रहा है प्रचार हो रहा है, क्या सुन रहे हैं? बगल में घर है से, मतलब आप रोड आ गए ना, यहीं से आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आपको आप हाइजीन में ज्यादा बात बोले, आप खुद का ध्यान रखिए उसका, मास्क प्रॉपरली बदलते रहे, प्रॉपरली सैनिटाइज करें। आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल, आप जाइए वहाँ पर, लोग सैनिटाइज करवा दी उसको, क्लियर कर ली उसको, ठीक। कुछ भी ऑप्शन है उसको यूज करना है, आप हेलमेट लगाए नहीं हो अभी यहाँ पर, पावर 6 से 7 हज़ार फाइन काटते काट सकते हैं। आपका सामान कोई ना, क्या पेनल सेक्शन आप नहीं मानते? सब दूरी में रहना है, कितना पेनल सेक्शन? क्या कहाँ जा रहे बाबा? सब जॉब पूरे में सब चीज़ सही है, पावर आपको अरेस्ट करना, कहाँ लगा जा रहे हैं? अरेस्ट करने का पावर आपको नहीं है, फाइन करने का बिल्कुल पावर। तो बताइए अरेस्ट करने का पावर है? गाड़ी लेके आ जी ना, गाड़ी तो अरेस्ट करने का पावर दिखाते हैं, तो मास्क का है लोग इनको अरेस्ट करने का पावर दिखाते हैं। मास्क कहाँ? सब्जी लेने आए, उससे मत सब्जी लेने आए तो सरकार ने क्या आपको बोली? सब्जी खाए ना, मास्क लगाना, हेलमेट का हेलमेट को क्या इसका सजा है मालूम है? क्या इसका सजा मालूम है? जेल जा सकते हैं, फाइन नहीं है, जेल जाने का फाइन का नियम नहीं, फाइन आपका हेलमेट काटेगा। हम लोग यहाँ ना फाइन काटना ट्रैफिक नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जेल भेजने वाले, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। आपका जेल जाना कन्फर्म है, वार्निंग इतना गवर्नमेंट दे रही है, दे रही है, बात समझिए। गवर्नमेंट अभी क्या बोल रहा है? लास्ट लाचार कर रहे हैं ना, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या करना है। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, मैटर आप गंभीर हो गया, समझ नहीं है? आंकड़ा 2,500 पार कर गया, 3,000 3,000 कुछ तो सीरियस होइए। हेलो, आप मास्क क्या मैडम? रुके रुके आइए, चले जाइए, कम से कम एक रहिए। कितने लोग सब्जी लेना है? राकेश का लेना चाहिए ना आप लोग को, बेवजह दो आ गए आप लोग। ना फैलाए किसी भी प्रकार की परेशानी या जानकारी हेतु 104 या 1950 1950 डायल कर सहायता ले सकते हैं। अफवाह फैलाने के आरोप में भी धारा 188 IPC महामारी रोग अधिनियम 1857 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। रेडियो धूम 104.8 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य एवं देश में 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, उसके सभी नियमों का पालन करें। इसके तहत लोगों को अपने घर में रहने की सख्त हिदायत दी जाती है, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, अनुपालन नहीं करने पर धारा 188/269/270 IPC के तहत आपको हिरासत में लिया जा सकता है। इस वक्त हिंदपीढ़ी के इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जो COVID-19 की रोकथाम में मददगार साबित होगा। आपसे गुजारिश है, बहुत जरूरी काम हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही बाहर निकलें। साथ ही लगाए जा रहे मेडिकल कैंप से रास्ता कायम कर जांच में मदद करें। जो मकान क्वारंटाइन किए गए हैं उसके पास से गुजरने में एहतियात बरतें, आप भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रांची पुलिस अपील करती है कि हमें सहयोग करें, हम सब एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने में सामाजिक सहभागिता निभाएं। अफवाह
अफवाहों से बचे व अनावश्यक भीड़ चौक चौराहों में न लगाएं। अपने घरों में महफूज रहें व निजी साफ सफाई पर ध्यान दें। कोविड 19 कोरोना वायरस से लड़ने के रांची पुलिस अपील करती है कि नंबर आया होगा करें, हम सब एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने में सामाजिक सहभागिता निभाएं। अफवाहों को न फैलाएं। किसी भी प्रकार की परेशानी या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रांची पुलिस अपील करती है कोरोना वायरस के बारे में अनाधिकृत जानकारी को आपस में शेयर न करें। किसी भी द्वारा मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, खराब कर रहा है प्रशासन या सही कर रहा है? बहुत सही कदम है ये। लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी इसका महत्व, लेकिन बहुत जरूरी चीज है ये। अगर आप घर से बाहर निकल, नहीं घर से बाहर अगर निकलते तो लगाना चाहिए, इससे अपना और समाज का सुरक्षा होता है। लोग बोल रहे हैं कि हम हेल्दी हैं, हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसे लोग को जानकारी का भी अभाव है, हर कोई इससे अफेक्टेड हो सकता है, चाहे वो स्वस्थ हो जिसका अच्छा पाचन शक्ति और ये एंजाइम हो तब भी। प्रशासन कहीं गलत कर रहा है सही कर रहा है? नहीं, एकदम बिल्कुल सही कर रहा है, थोड़ा सख्ती भी होना चाहिए। क्या कहेंगे जो लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे? जरूर लगा के निकले, अन्यथा ना निकले घर से। अब देख सकते हैं यहाँ कितना बोलने के बावजूद भी लोग, सब्जी मंडी वाले भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सुना नहीं आप लोगों को, वो कुछ छुएगा दूर रहो, कुछ छूकर देगा अपना सामान। प्रशासन ने आपको क्या बोला था कि कोई आपका फल नहीं छुएगा? अभी बोले थे ना? अभी बोला था सर, लेकिन अपने से नहीं, लोग चुन के ले नहीं, इनको अपने से लोग चुने खोजता है। तो आपका दुकान बंद हो जाएगा तो फिर कौन लेगा? ठीक है, वैसे अब नहीं करने देंगे सर। मतलब पुलिस का बोला होगा कोई फर्क नहीं है? नहीं, वैसे बात नहीं, अब छूने नहीं देंगे, किसी को आगे छूने नहीं देंगे। आपकी प्रशासन दोषी हम ही लोग आएंगे सर। आप ही लोग हैं ना? हाँ, सुधार करेंगे इसमें? एकदम सुधार होगा सर, अब छूने नहीं देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा यहाँ मना किया गया कि कोई सब्जी नहीं छुएगा, लेकिन कोई भी असर नहीं इन सब सब्जी वालों पे। आपने देखा लगातार प्रशासन यहाँ हर किसी को रिक्वेस्ट की कि इनके सामानों को कोई नहीं छुएगा, ये खुद देंगे, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये स्थिति है रांची का, भुक्तभोगी सब होंगे, सब कोई जान रहा है। तो लोगों का एक्सक्यूज आपने सुना, हमें उम्मीद है कि आपका जवाब का हमें इंतजार रहेगा कि लोगों ने जो जवाब दिया है कहां तक वो सही है, और अपने हल करके जो पुलिसकर्मी अभी कार्य कर रहे हैं इनके बारे में भी आपसे हम दो शब्द सुनेंगे। इन्होंने जो लोगों को समझाया क्या आपको सही लगा या गलत, प्लीज आप जरूर कुछ दो शब्द लिखें और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कब क्या हो किसी को पता नहीं, सावधानी बहुत जरूरी है, खास करके सोशल डिस्टेंस। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।